व्हाट इज गोइंग ऑन गाइज, स्वागत है आपका इस एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीरीज के 31st वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सब कुछ देखा, कैलकुलेटर एक्टिविटी कैसे क्रिएट करते हैं, चेकबॉक्स रेडियो बटन्स, रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी और लॉगिन एक्टिविटी भी देखा, जहाँ पे हमने शेयर्ड प्रेफरेंस के थ्रू हमने कुछ छोटे मोटे डेटा इंटरनल स्टोरेज में सेव किया है, जो कि शेयर्ड प्रेफरेंस यूज करके हमने इंटरनल स्टोरेज में की और वैल्यू करके सेव किया। लेकिन अगर हमको बड़ी क्वांटिटी में हमको डेटा सेव करना है, बहुत बड़ा डेटा, हज़ारों के उस पर हमको टेबल क्रिएट करना है, बहुत सारे डेटा, बहुत सारे कॉलम सेव करना है, तो हम क्या करें? शेयर्ड प्रेफरेंसेस तो हम कर नहीं सकते, तो हम यूज करेंगे डेटाबेस। तो इसमें भी एंड्रॉयड में भी डेटाबेस है, SQLite डेटाबेस। एंड्रॉयड SDK खुद प्रोवाइड करता है SQLite डेटाबेस के क्लासेस है बहुत सारे, तो उसका हम क्लास क्रिएट करना पड़ता है और उसको एक्सटेंड करके हम उसका बेस क्लास से हम अपना चाइल्ड क्लास बनाएंगे, उसके बाद हम डेटाबेस को यूज कर सकते हैं। तो डेटाबेस यूज करने के लिए हमको इंसर्ट कर सकते हैं डेटा, फिर अपडेट कर सकते हैं, फिर डिलीट कर सकते हैं, उस डेटाबेस को शो कर सकते हैं, हम अपने ऐप में यूज करेंगे। हम यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं, खुद के डेटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये डेटाबेस रिलेटेड काम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड्रॉइड स्टूडियो में, जो आगे के 4-5 वीडियो हम इसी डेटाबेस रिलेटेड वीडियो होने वाले। तो डेमो दिखाने के लिए सबसे पहले तो हम एक एक्टिविटी क्रिएट करते हैं, बहुत सारे एक्टिविटी हमने पहले क्रिएट कर चुके हैं, एक और एक्टिविटी क्रिएट करते हैं डेटाबेस एक्टिविटी करके, जिसमें हम बस डेटाबेस के इंसर्ट अपडेट डिलीट के काम करेंगे, यूज़र इंटरफेस बनाएंगे और उसका काम करेंगे। तो सबसे पहले न्यू करके एक्टिविटी क्रिएट करते हैं, जिसका मैं नाम देता हूँ डेटाबेस थिंग्स, और इस एक्टिविटी को मैं सबसे पहले तो लिस्ट एक्टिविटी में इंसर्ट कर देता हूँ ताकि हमारा लिस्ट दिख जाए। डेटाबेस थिंग ये सेम नेम होना चाहिए जैसा एक्टिविटी का नेम है, ये हमने पहले वीडियोज़ में बहुत बार कर चुके हैं। इसके बाद लिस्ट एक्टिविटी का हटा देते हैं, तो इसका डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले तो डिज़ाइन करते हैं, हम यूज़र से इनपुट लेंगे। हम डेमो और डेटाबेस करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक तो नेम इनपुट लेंगे और एक फ़ोन नंबर लेंगे। नेम और फ़ोन नंबर का हम डेटाबेस सेव करेंगे, आप कुछ भी कर सकते हो, कितने भी कॉलम ले सकते हो। अभी हम बस 2 कॉलम लेंगे, नेम और फ़ोन, और एक आईडी भी लेंगे। आईडी हम खुद से इंसर्ट नहीं करेंगे, आईडी हम उसको डेटा को डिलीट करने के लिए आईडी यूज़ करेंगे। तो मैं 3 एडिट टेक्स्ट लूँगा यहाँ पे, 3 एडिट टेक्स्ट, जिसका मैं हिंट दे दूँगा। एक तो आईडी, इसका मैं विड्थ को मैच पेरेंट कर देता हूँ ताकि पूरा फुल फेस आ जाए ऐसे, और सबसे पहले इसको वर्टिकल कर देते हैं ओरिएंटेशन। उसके बाद मैं इसको आईडी भी दे देता हूँ, एक डीबी आईडी इनपुट। इस तरह मैं 3 टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट लूँगा यूज़र से इनपुट लेने के लिए, एक तो आईडी हो गया, दूसरा नेम हो गया, और तीसरा फ़ोन। जैसे कि मैंने बोला फ़ोन हम इनपुट लेंगे, तो 3 हम डेटा से, यूज़र से डेटा लेंगे 3, और एक बटन भी क्रिएट करते हैं। बटन हम क्रिएट करेंगे रैप कंटेंट हाइट, तो हमेशा रैप कंटेंट करना चाहिए, ये मैं मैथ्स पेरेंट कर देता हूँ, पूरा वाइड आ जाए। और मैं इसमें टेक्स्ट डाल देता हूँ इंसर्ट, ये हमारा इंसर्ट करने के लिए बटन होगा, और आईडी दे देता हूँ इंसर्ट बटन डेटाबेस। तो इस तरह एक बटन हो गया, इस तरह मैं 4 बटन बनाऊँगा अपडेट के लिए, फिर डिलीट के लिए, फिर शो करने के लिए डेटा ताकि हम दिखाए। ये बटन क्लिक होने के बाद जो डेटा सेव हुआ है वो दिखे हमको। यहाँ पे ये हो गया है, यहाँ पे एक ये छूट गया है। तो इस तरह हमने 3 बटन ये क्रिएट किया। अभी डेटा शो करने के लिए एक और टेक्स्ट व्यू लेंगे हम नीचे, जिसमें हम डेटा को शो करेंगे जो हमने डेटाबेस बनाया है। टेक्स्ट व्यू लेंगे रैप कंटेंट, और एक टेक्स्ट डाल देते हैं अभी के लिए, डेटा विल डिस्प्लेड हेयर।
इसको थोड़ा मार्जिन देना चाहता हूँ मैं ऊपर 30 dp, और इसका आईडी दे देता हूँ डेटा टेक्स्ट व्यू। तो हमने क्या किया, इसमें 3 एडिट टेक्स्ट लिया, 4 बटन लिए और एक डेटा दिखाने के लिए टेक्स्ट व्यू लिया। और हम इसमें जाके सबसे पहले तो ये करना ही पड़ता है, मैंने बहुत बार भी कर चुका हूँ, एडिट टेक्स्ट, सबका एडिट टेक्स्ट, आईडी नेम, फ़ोन, ये होता ही है, बटन, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, शो बटन, तो आप नाम कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे शो पहले से ही है तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, हम यहाँ पे ईटी देंगे, ये शो बटन नाम दे दूंगा मैं। अगर नाम पहले से ही है हमारे दूसरे एक्टिविटी में तो यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए ये कर सकते हैं। अभी एक और टेक्स्ट व्यू है जिसमें हम शो टीवी नाम रख देते हैं और सबका हम रेफरेंस क्रिएट करते हैं। इसका था डीबी इनपुट, तो 3 एडिट टेक्स्ट लेंगे हम, नेम इटी, फोन, एडिट टेक्स्ट, तो यहाँ पे इनके तीनों के आईडी भी रख देते हैं, नेम, फोन, तो रख दिया हमने। उसके बाद बटन के लिए भी सेम करते हैं, इंसर्ट बटन, फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी डॉट बटन, इंसर्ट बटन डेटाबेस, 4 बटन है तो 4 बार करना पड़ेगा, अपडेट, डिलीट, शो बटन, यहाँ पे अपडेट बटन डेटाबेस, डिलीट बटन डेटाबेस, शो बटन डेटाबेस, और एक लास्ट में बचा ये टेक्स्ट व्यू, सो टीवी इज इक्वल टू टेक्स्ट व्यू आर डॉट आईडी डॉट टीवी, हमने नाम क्या रखा था, डेटा टेक्स्ट व्यू। तो यहाँ से हम नाम देख सकते हैं। फिर मैंने क्रिएट कर दिया अभी एक 3 एडिट टेक्स्ट जहाँ से हम यूज़र से इनपुट लेंगे, और एक 4 बटन और एक टेक्स्ट व्यू। इसको हम एक बार रन करके देखते हैं कि हमारा एक्टिविटी खुलता है कि नहीं, खुलना तो चाहिए। तो फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, मैं एक आइडिया देना चाहता हूँ। जब हमारा ऐप रन होगा उसके बाद हम यहाँ से नेम और फ़ोन इनपुट लेंगे, आईडी हम इनपुट नहीं लेंगे यूज़र से, क्योंकि आईडी हम ये इंटरनली खुद प्रोवाइड करेंगे। तो नेम और फ़ोन इनपुट लेंगे, इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट होने के बाद डेटाबेस में सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद जब हम शो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो होना चाहिए डेटाबेस। फिर एक और डेटा इंसर्ट करेंगे, फिर वो ऐड होता जाएगा, ऐड होता जाएगा, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। और अपडेट हम करेंगे जब आईडी डाल के हम अपडेट करेंगे, कुछ नाम रॉन्ग हुआ या फ़ोन रॉन्ग हुआ, तो डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं, और शो तो हम करेंगे ही। तो ऐप रन हो चुका है हमारा, ये ऐड हो गया यहाँ पे, और ये इंटरफेस हमको अच्छे से दिख रहा है। तो हम अगले वीडियो में देखते हैं डेटाबेस के सब इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कैसे करते हैं, और डेटाबेस का हम क्लास कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी 3-4 वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेटाबेस रिलेटेड, और ईजी है, तो देखना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।